पब्लिक हेल्थ का सबसे बड़ा मॉडल टाउन के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ही एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ 8-9 महीने से। वहाँ कई बार तो गंदे हाथ भी धोते हैं लोग, कई बार गिर भी जाते हैं, वो सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है। जब दोबारा पानी खत्म हो जाता है तो सारा का सारा पानी वो वापिस शहर में चला जाता है और उसमें गंदगी फैलती है। नंबर दो, फिर हम डाइट में गए तो वहाँ पे यदि कैथल में किसी ने जंगल देखना है तो डाइट में चली जाइए। वहाँ पे कम से 6-7 फीट की घास खड़ी है, झाड़ खड़े हैं। मॉडल टाउन वालों की शिकायत थी कि डाइट में से सांप पूरे मॉडल टाउन में घुसते हैं, और खुद उनके कर्मचारियों ने माना, अधिकारियों ने माना कि हमारे कमरों के अंदर भी बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं और पकड़े गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ जहाँ पे राशन कार्ड बनते हैं। यहाँ पे लोगों की काफ़ी शिकायतें मेरे पास ऑनलाइन गई हुई थी, व्हाट्सएप भी गया था, मेल भी गई थी कि वहाँ पे राशन कार्ड को लेकर बड़ी दिक्कत है। और यहाँ पे पाया वाकई में ये 9:20 के ऊपर कर्मचारी आई, उससे पहले 8 बजे की लाइन लगी हुई थी, वाटर कूलर को लॉक लगा हुआ था, और जो बड़े अधिकारी हैं वो काफ़ी अपनी सीटों से गायब थे, वो लेट ही आते हैं। और शिक्षा अधिकारी बैठते ना, शिक्षा अधिकारी है वो, और शिक्षा बड़े अधिकारी भी नहीं पाए गए। और यहाँ पे तो एक अव्यवस्था है, लेकिन इन कर्मचारियों अधिकारियों से एक निवेदन है, कांग्रेस इन एलो की फीलिंग बंद करें। जैसे अंग्रेज दोबारा कभी नहीं आए, ना कांग्रेस आएगी ना इनेलो आएगी, ये भाजपा का राज है। 9 बजे टाइम पे आए और 5 बजे टाइम पे जाएं, और इसलिए अपने काम को काम समझें और लोगों को लूटपाट बंद करें और अपने ढंग से अच्छे से काम करें। राशन कार्ड के 60 रुपये के 120 रुपये ले रहे हैं इनके खिलाफ। मैंने उनको अधिकारी को बोल दिया, जयपगंज जी को, भाई इनके ऊपर पता करो कि किसने ऐसी हेरा फेरी की है। इस हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए बनते हैं, गरीबों को पता नहीं होता, वो बेचारे राशन कार्ड के नाम पे 120-200 रुपये दे देते हैं, और छोटी छोटी लूट में भी लाखों की लूट हो जाती है। उन पर कार्रवाई करेंगे और उनकी जाँच करवाएंगे। ये जो 120 रुपये ले रहे हैं, ये तो PHC सेंटर वाले ले रहे हैं, 160-160 रुपये भी ले रहे हैं। मैंने उनसे वही पूछा है कि पहले इनकी जांच कराओ कि ये पैसे ले कौन रहे, जब जांच करेंगे तभी पता लगेगा कि पैसे लिए किसने। वो लेट आते हैं, उनके खिलाफ क्या करें? मैं CM साहब को लेटर देता हूं हर बार, और DC साहब को भी संज्ञान में डालूंगा, आज ही पता करेंगे ऐसा क्यों, और दोबारा फिर रेड करेंगे। यदि नहीं सुधार हुआ तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी।